टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए टीम इंडिया के पास अब बचे हैं सिर्फ 5 मौके। जी हाँ, सिर्फ 5 मैचेस, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 3 अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन टीम की तो बात छोड़िए, यहाँ पे अभी तो कप्तान ही डिसाइडेड नहीं है कि आखिर टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का कप्तान होगा कौन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या। अभी कप्तानी पर भी सवाल है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। लेकिन इसी बारे में बातचीत करते हुए पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर की राय कुछ इतर है। गौतम गंभीर का मानना है यहाँ पे कि कप्तान बाद में डिसाइड कीजिएगा, पहले एक अच्छी टीम बनाइए, उस टीम में इनफॉर्म खिलाड़ियों को रखिए, क्योंकि आपको टूर्नामेंट टीम जिताती है, अकेला कप्तान नहीं। आगे बोलते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि पहले उन खिलाड़ियों को चिन्हित करें जो अच्छे से रन बना रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, जो टीम के काम आ सकते हैं और टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं सिचुएशंस और वहां की कंडीशंस को देखते हुए। बाद में आप देखिएगा कि रोहित, सूर्या या हार्दिक, किसके हाथ होगी टीम इंडिया की कमान। कप्तानी के बारे में बोलते हुए गंभीर ने कहा कि अगर रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है तो आप उनको बतौर कप्तान भी नहीं और यहां पे बतौर खिलाड़ी भी अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। वहीं अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनकी चोट ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रखी है। वहीं सूर्यकुमार यादव ने बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन तो अच्छा किया, लेकिन बतौर बल्लेबाज उनकी चमक बिल्कुल ही फीकी रही यहाँ पे। अब देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है और बतौर बल्लेबाज सूर्या के बल्ले से रन निकलते हैं या फिर नहीं। वहीं रोहित शर्मा का जब भी कमबैक होता है टी20 फॉर्मेट में तो वो बतौर खिलाड़ी कैसे खेलते हुए नजर आते हैं, और हार्दिक पांड्या का कमबैक जब होगा तो क्या उनको टीम इंडिया की कमान दी जाएगी, क्योंकि चोट को लेकर हार्दिक का रिकॉर्ड बेहद ही खराब है, जो कि टीम इंडिया और बीसीसीआई के लिए टेंशन वाली बात है। लेकिन अगर बीसीसीआई के नजरिए से देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप को अभी बहुत समय है, सिर्फ 5 मौके नहीं 6 महीने। बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशाह का ये कहना है कि अभी बहुत समय है, IPL है, IPL से पहले अफगानिस्तान की सीरीज है, हम आराम से फैसला लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने साफ तौर पे बीसीसीआई को कह दिया है कि कप्तान के बारे में बाद में सोचना, पहले टीम तो बनाओ, क्योंकि अगर टीम अच्छी होगी तो कप्तान भी अच्छा होगा और टी20 वर्ल्ड कप को जीतने का जो सपना है और जो 2007 के बाद से सूखा है वो भी खत्म होगा। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का कप्तान, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।